बड़ी संभाल संभाल के चीजें रखती हो। जी, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ गंवा बैठी हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि जो चीजें हमारे पास नहीं रहती वो दरअसल हमारी कभी होती ही नहीं? जब वो चीजें हाथ से निकल जाएं, तो उन चीजों पर हमें हक जताना छोड़ देना चाहिए। देखते हैं कि पहले हम दोनों में से ये बात किसको समझ आती है। वैसे जितनी तुम जमीन से ऊपर हो ना, उससे कहीं जमीन से नीचे हो। जड़ें मजबूत होनी चाहिए, शाखें कट भी जाएं तो दोबारा उगाती हैं, ताल्लुक की तरह। अरे वाह, क्या चीज हो तुम! मैं तो तुम्हें वाकई ही हमेशा अंडर एस्टिमेट करती रही। जी वाकई, आपके ख्याल से कई ज्यादा सलाहियतें हैं मुझ में। यानी कि जितनी फकीर नजर आती हो उतनी हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब पैसों की बात आती है तो सबकी हवा निकल जाती है, सारा गयान गटर में बह जाता है। देखें सेबा जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आपसे झूठ क्यों बोलती मैं? वैसे तो हर बात सच बोलती हो मुझसे, है ना? चलो मान लेती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन औरों के पास कुछ नहीं है इस बात का यकीन नहीं आता मुझे। मेरी बात का यकीन नहीं है तुम्हें? खुद अलमारी खोल कर देख लो। नहीं अम्मी, मैंने इसलिए तो नहीं पूछा। तो क्या लगता है तुम लोगों को, मेरे पास पैसे होंगे और मैं अपने ही बेटे की रिहाई के लिए नहीं दूंगी तुम लोगों को? अम्मी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। सेबा जी ने कहा था आपसे पूछने के लिए। अच्छा, उसे कहो खुद आकर मुझसे पूछ ले। वो कह रही थी कि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो सब उन्हीं के पास आते हैं। आज अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो किसके पास जाए? हाँ, वो बेचारी भी तो ठीक कह रही है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो शादी की रिहाई कैसे होगी? अभी वो साथ में जापान जाने से पहले जो रकम आपको। अच्छा, तो ये बात है, तुम और जेबा जानते थे उस रकम के बारे में? अम्मी, मुझे तो नहीं पता, सेबा जी ने। कोई बात नहीं बेटा, शक हो तो दूर कर लेना चाहिए। नहीं अम्मी, शक की तो कोई बात नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम और जेबा जानते थे ना कि पिछले कितने महीनों से घर का किराया नहीं गया था। 15,000 रुपये निकाल के बाकी सारे रकम किराए के लिए दे दिए मैंने। फिर मेरी कमेटी जानी थी, 15,000 उसके गए। जी जी अम्मी। और कोई हिसाब लेना हुआ तो ले लेना मुझसे, लेकिन तुम और जेबा इस बात को याद रखना, तुम्हारा शौहर मेरा बेटा भी है। एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।